अभी जो है ट्रक से उतारा जाता है और ट्रक से उतरने के बाद इसको सेले का रेट क्या रहने वाला है? वही है 30 से लेकर 35 तक। सभी ट्रक में जो है संतरा भरा है। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी बिहार के सबसे बड़ा मंडी केला मंडी में अभी हम आए हुए हैं और आज जो अभी जो है संतरा का रेट हम बताएंगे। और देख सकते हैं पीछे के ग्राउंड में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक से जो है संतरा उतर करके अभी बिक रहा है। तो कुछ ही दिन में जैसे छठ मनने वाला है, 7 तारीख को सजिया घाट है, तो हम रेट बताएंगे कि होलसेल रेट और रिटेल रेट क्या लगने वाला है इस बार और संतरा का जो है क्वांटिटी क्या उतरा है इस बार मार्केट में। तो चलिए शॉप ओनर से मिलते हैं, जानकारी लेते हैं कि कैसे को सर इस बार संतरा का रेट क्या रहने वाला है? वही है 30 से लेकर 35 तक। 30 से लेकर 35 तक इस बार संतरा कहाँ से उतर रहा है? नागपुर से। और जैसा कि पिछले साल देखा गया था कि संतरा कम हो गया था, मतलब मार्केट में जैसे छठ का एक दिन पहले, पिछले साल भी ज्यादा था। इस साल भी ज्यादा है। अच्छा, इस साल भी ज्यादा रहेगा? नहीं, तो रेट मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? वही रेट है सेम। अच्छा, होलसेलिंग के लिए कोई व्यक्ति का लेने के लिए आएंगे तो कम से कम कितना क्वांटिटी उनको लेना होगा? 30 रुपया। 30 रुपया क्वांटिटी जितना अपना ले सके? नहीं, हाँ नहीं, लेने के लिए कितना लेना है? 40 किलो। 40 किलो कम से कम लेना होगा। रिटेल भी सेल होता है या होलसेलिंग से? नहीं, होलसेल होता है। होलसेलिंग में तो कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहे संतरा का तो कैसे करेंगे? संतरा का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो मंडी में पहले लाइसेंस उनको चाहिए, उसके बाद से मान लीजिए यहाँ जगह चाहिए तब ना। जगह नहीं, जैसे छोटे छोटे स्टॉल लगा कर जो बेचते हैं ठेला पे। अच्छा, छोटा सा तो यहाँ से खरीद के जाके बेच सकते हैं बाहर। अच्छा, अच्छा खासा मुनाफा वगैरह कमा। हाँ। उनको आने के लिए क्या मतलब कुछ लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह बताइए, कैसे आएंगे? कहाँ से आएंगे तब ना, मतलब बिहार में कहीं से अगर आएंगे तो पटना बाजार समिति। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पटना बाजार समिति केला मंडी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सब जो है डिपार्टमेंट अलग अलग बांटा गया। संतरा का डिपार्टमेंट अलग है, केला का डिपार्टमेंट अलग है, हर चीज का, हर फ्रूट का डिपार्टमेंट अलग अलग है। देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं जितना ट्रक यहाँ पे दिख रहा है सभी ट्रक में जो है संतरा भरा है। और इस बार छठ व्रत के लिए जो संतरा लेकर जाने वाले उनके लिए कुछ बोलिए जो बाहर बेचने के लिए जाने। इस बार व्यवस्था बढ़िया हुआ है, मैंने मंडी में पहले होता था जाम लग जाता था, इस बार जाम जुम नहीं है कहीं से, एकदम आराम से आदमी आ रहा है लेके जा रहा है। रोड नहीं रहा होगा तो हाँ, पहले व्यवस्था क्वांटिटी हाँ, मंडी छोटा में जैसे रोड बना नहीं था, पूरा फाड़ा बना हुआ था, कोई भी चीज अच्छा ज्यादा मात्रा में। किस तरह से संतरा को उतारा जा रहा है और छोटे छोटे व्यापारी जो लोग हैं किस तरह से लेके जा रहे हैं, संतरा किस प्रकार से डिस्प्ले किया गया है, मतलब सभी जो है ट्रक से उतारा जाता है और ट्रक से उतरने के बाद इसको सेल किया जाता है। इधर भी आपको संतरा बहुत सारा मिलेगा देखने को, देख सकते हैं। इस बार क्या रेट लग रहा है संतरा का क्या रेट लग रहा है? 35-30-32। कहाँ से संतरा उतर रहा है? नागपुर से। अच्छा सर, पिछले साल के अकॉर्डिंग क्या रेट ज्यादा रहेगा कम रहेगा? पिछले साल जो रेट था संतरा का इस बार क्या रेट रहेगा, ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम रहेगा। क्वांटिटी की अगर बात कर ले, जैसे पिछले साल हुआ था कि संतरा खत्म हो गया था मार्केट में, तो इस बार भी ऐसा होगा? हाँ, ऐसे होगा, इस बार भी होगा। देख सकते हैं जैसा कि बता रहे हैं कि अगर संतरा अगर आपको लेना है तो मतलब छठ से 2-3 दिन पहले आकर के यहाँ से ले जाइए रिटेल में सेल करने के लिए, क्योंकि संतरा का जैसे संतरा और जैसे कि हम वीडियो बनाया तो नारियल का भी मात्रा जो है बहुत कम था और संतरा का भी जैसा बता रहे कि मार्केट में बहुत कम उतरा हुआ। और आगे हम मिलते हैं शॉप ओनर से, देखिए संतरा। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।